अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं हूं मिसेस खुर्रम और आज मैं बना रही हूं सुबह का नाश्ता। और ये जी मैंने पेड़े लिए हैं जल्दी जल्दी और मैं इसको बेल रही हूं। हस्बैंड को ऑफिस से लेट हो गया है इसलिए जल्दी जल्दी से जिस तरह के भी प्यारे प्यारे मज़ेदार पराठे बनते हैं उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। ये हमने पेड़े के ऊपर घी का तड़का लगा दिया, ये दूसरा पेड़ा तैयार कर लिया हमने जल्दी से पराठे की शेप देके। ये लें जी, एक दफ़ा फिर हमने इस पर तड़का लगा के मज़ेदार किस्म का हमने इसको फोल्ड करके रख दिया है। अब हम इसको बेलेंगे और मज़ेदार पराठा तैयार हो जाएगा। रेडी होने में एक तरफ मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिया है, मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में एग भी खाते हैं। चलें जी, ये हो गया है पराठे की तैयारी स्टार्ट। ये लें जी, मज़ेदार किस्म का पराठा बनेगा अब जल्दी जल्दी में जो भी बन रहा है। अब ये हमने तवे के ऊपर डाल दिया। ओहो, सारा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना ही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ेदार है। ये लें जी, हमारा फर्स्ट पराठा रेडी हो गया। अब हम सेकंड पराठा रेडी करते हैं, उतनी देर में एग भी बॉयल हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा है पराठा रेडी। अब ये दूसरे की हम तैयारी कर रहे हैं। आज तो काफ़ी देर हो गई। ये लें जी, दूसरा भी हमने तवे पे सूप दिया है और ये देसी घी का हमने इस पर तड़का लगा के मज़ेदार किस्म का हमने पराठा रेडी कर दिया है। अब जी ये पराठा भी रेडी हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें एवरीवन, ये भी पराठा रेडी हो गया ज़बरदस्त। ये लें जी, ये अब हमने अंडे को छीन लिया, इसकी कटिंग की और जी इसके ऊपर काली मिर्चों का और नमक का तड़का लगा के लजीज बना दिया। और रात की दाल है मज़ेदार बनी हुई और साथ इमली की खट्टी चटनी ट्रे रेडी हो गई। अब मैं ये हस्बैंड के पास लेकर जा रही हूँ, उनको मैंने कहा हाथ धो लें। ये टेबल पर मैंने नाश्ते को सेट कर दिया। ये जी हस्बैंड भी आ गए, लो जी उन्होंने तो अंडा फिनिश ही कर दिया बैठ के जल्दी से। अब हम नाश्ता करेंगे। ओके एवरीवन, इंशाल्लाह माय यूट्यूब फैमिली फिर अगले ब्लॉग में बात करेंगे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।